आज हमने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1,00,000 लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज़्यादा होगी, किसी भी एक मीटिंग को ले लीजिए उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। और तब तक हम परसों से उन 13 जिलों में ईआरसीपी के ऊपर वादा खिलाफी के लिए जनजागरण अभियान प्रत्येक मंडल स्तर के ऊपर हम चलाएंगे। हर बूथ के लोग मंडल के ऊपर आकर के कार्यक्रम करेंगे। हमारा जो वॉर रूम है, यहाँ से जो सेंट्रल टीम हमारी जो बैठी है वो उनको वर्क देगी, नारे झंडे पोस्टर सबके साथ में जनजागरण अभियान करेंगे। 15 तारीख को नवरात्रा स्थापना है, 16 तारीख से हम लोग इस ईआरसीपी की वादा खिलाफी को प्रमुख मुद्दा लेते हुए हम उन 13 जिलों में 12 जिले से इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे पास में कहने के लिए, जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है और इतना है कि राजस्थान के इतिहास में 70 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना काम हमारी सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए किया है। चाहे आप डेवलपमेंट के वर्क ले लीजिए, मान के चलिए कि हमारी योजनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव जनता के ऊपर है, एंटी कमेंसी 0 के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी में आपस में दुनिया भर की फूट है और वो जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं वो परिवर्तन यात्रा पहले वसुंधरा राजे जी के पोस्टर हटाने से लेकर के शुरुआत हुई, फिर उनको उनका नाम नहीं लिया गया, फिर उनको पूर्व मुख्यमंत्री के बजाय विधायक लिखा गया और अब शायद भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह जी एक परिवर्तन जो यात्रा निकाल रहे हैं इसका मूल एजेंडा है कि वसुंधरा राजे जी पूर्व विधायक के रूप में अपना नाम नामित करें। तो मैं समझता हूं कि ये परिवर्तन खुद में ही करने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को बार बार राजस्थान में आकर के ये कहना पड़ रहा है कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, किसी के मुखटे पे नहीं लड़ा जाएगा, कमल का फूल होगा। अरे भाई, कमल का फूल तो दिखा ही नहीं। यहाँ तो आपस में मुख्यमंत्री के मुंगेरी लाल सपने और 8-10 उम्मीदवार बने बैठे थे। अमित शाह जी और नड्डा जी को आकर के ये कहना पड़ा कि आप मुख्यमंत्री बनना छोड़ो, आप अपनी चिंता छोड़ो, अपने लोगों की चिंता छोड़ो, पार्टी की चिंता करो, पार्टी रसातल में जा रही है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप बताइए कि क्या उनकी जो सूची थी देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जब कमेटी बैठ जाए, पूरी टॉप लेवल के नेता बैठ जाएं और उसके बाद में बचकानी हरकत हो जाए, इसका मतलब है कि ये न तो यूनाइट है, न इनका कोई विजन है, न इनके पास में राजस्थान में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं उनका कोई उनके पास जवाब नहीं है। एक भी यात्रा में उन्होंने हमारी किसी स्कीम को क्रिटिसाइज नहीं किया, केवल एक झूठा परसेप्शन बनाने में लगे रहे, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध। क्या बात कर रहे हो, इससे बड़ा अपराध हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान की हत्या कर दे, वो आज की तारीख में बैठा रहे। क्या ब्रजभूषण सिंह जो है वो उसके ऊपर रेप का आरोप, और हमारी बेटियां जो देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रही है वो वहां सड़कों पे बैठी रही, उनको घसीट करके और उनसे वहां से निकाला जाए धरना स्थल से, और वो भी आज की तारीख में वही एमपी बैठा है। क्या लोकसभा में किस तरह की अभद्र असंसदीय भाषा का उपयोग वो जो एक
गुजर हैं, क्या नाम है उनका, विदुड़ी जी, वो बोले हैं उसको राजस्थान में भेजा गया चला करके टोंक में प्रभारी बना के, कि वहां पर जाकर के आप इस तरीके का बखेड़ा पैदा करो कि यहाँ लड़ाई हो जाए, आपस में जो है वो सांप्रदायिक दंगे हो जाए। तो आप समझ सकते हो, इनकी गाइडलाइन समझ सकते हो, इनकी सोच समझ सकते हो। हमारी सोच है कि हमने काम अगर किया है, दिल से किया है, लोगों को फायदा मिला है, लोग चाहते हैं, तो हम फिर रिपीट होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब यूनाइट हैं, सब मिलकर के लड़ेंगे, जाएंगे। जनता में बहुत अच्छा उत्साह कांग्रेस के प्रति है, और राहुल गांधी जी ने जब से 4000 किलोमीटर यात्रा की है उसके बाद में तो कुछ बचा ही नहीं। आप देख लीजिए कि लोग कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को प्यार करते हैं, वो ये 2023 में हमको रिपीट करना चाहते हैं। अगर चारों पांचों में हम रिपीट हो गए, हमारे गोगई साहब का फोन आया था, वो एक दो दिन में जब भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर आएंगे तो हम लग बैठ करके कहते हैं हमारे में बीजेपी वाली सी बात नहीं है, हम सब तैयार हैं। इलेक्शन कमेटी की बैठक जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आएगी उससे पहले हम कर करके उनको, स्क्रीनिंग कमेटी को हमारा पैनल जो भी जो अपीसी के मेंबर लेकर के आए हैं वो सौंपेंगे, वो उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और फैसला लेंगे। और जब भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति के लिए समय देगा वो जाकर के और हमारी लिस्ट आ जाए। ऐसा नहीं होगा बीजेपी की तरह कि फोटो तो दिखा दी मोदी जी बैठे हैं और सारी जो है लिस्ट फाइनल कर रहे हैं और फिर उस लिस्टों का गायब हो गए। वो जिनके नाम है अखबार में वही पूछ रहे हैं, हमारा क्या होगा? मुझे पूछ रहे थे, मैं कहा मुझे क्या पता भाई क्या होगा, तुम्हारी बीजेपी जाने, तुम्हारा नेतृत्व जाने। तो हालात बड़े संग, आज जो एक पेपर में आया है जो कि संघ और ये बीजेपी आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बात हम बार बार कहते थे कि संघ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी हो गया है, वो अपनी बात थोपना चाहता है और थोप करके डिक्टेटरशिप कर रहा है। यही तो प्रजातंत्र में ठीक नहीं है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि तो कोई बात करे लेकिन बिना चुना हुआ जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि को डिक्टेट करता है और अपनी बात मना करके यहाँ पर जिस तरीके का वातावरण पैदा करता है, ये ठीक नहीं है प्रजातंत्र के लोकतंत्र।